लाइफ में ब्रेक लेना चलता है, लेकिन वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप, देख बिना ब्रेक। तीन हजार दो सौ सैंतीस उम्मीदवार, आठ करोड़ सत्तानवे लाख मतदाता, दो सौ अट्ठासी सीट की जंग, आखिर कौन जीतेगा महाराष्ट्र की महाभारत? आज मतदाताओं के बटन दबाने के साथ ही इस बात का फैसला ईवीएम मशीन में लॉक हो जाएगा, बीजेपी और शिवसेना की जुगलबंदी या फिर दांव पर लगी कांग्रेस और एनसीपी की साख, पूरे पांच साल के हिसाब का आज जनता जवाब देगी। तमाम उठापटक के बाद फडणवीस के सामने जहां दोबारा सत्ता पाने की चुनौती है, वहीं पूरे चुनाव प्रचार के दौरान शिवसेना के साथ तीखी नोकझोंक और सीटों के बंटवारे को लेकर हुई खींचतान का कितना असर पड़ेगा वो भी साफ हो जाएगा। इतना ही नहीं, पहली बार बाल ठाकरे के परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान पर है। वर्ली से चुनाव लड़ रहे आदित्य ठाकरे के भविष्य का भी फैसला होना है। महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए बीजेपी ने 164, शिवसेना ने 126, कांग्रेस ने 147, एनसीपी ने 121, एमएनएस ने 101, बीएसपी ने 262, वीबीए ने 288, सीपीआई ने 16, सीपीआईएम ने 8 उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं 1400 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान पर हैं। पिछली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 122 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं शिवसेना को 63 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 42 और एनसीपी को 41 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं लोकसभा चुनाव में मोदी लहर महाराष्ट्र में देखने को मिली, जहां बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने 48 सीटों में 41 में जीत हासिल की थी, वहीं कांग्रेस को सिर्फ एक और एनसीपी को 4 सीटों में जीत मिली। 2014 से पहले महाराष्ट्र में लगातार 15 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन मोदी के केंद्र में आने के साथ ही महाराष्ट्र में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस राज्य में हाशिए पर खड़ी है। विलासराव देशमुख के निधन के बाद कांग्रेस को महाराष्ट्र में एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो वापस उसे अपनी जमीन दिला सके। राज्य के कुल 8 करोड़ 98 लाख मतदाताओं में से 4 करोड़ 68 लाख पुरुष और 4 करोड़ 28 लाख महिलाएं हैं। चुनाव आयोग ने 96,661 मतदान केंद्र बनाए हैं और राज्य में मतदान के लिए वीवीपैट ईवीएम की कुल संख्या 1,35,021 होगी। महाराष्ट्र में कई छोटे बड़े मुद्दे इस बार चुनावी मैदान पर हैं। विरोधी पार्टियों ने किसानों में असंतोष, बेरोजगारी, आर्थिक और औद्योगिक मंदी, पीएमसी बैंक घोटाला, पुणे जैसे शहर में भीषण जल भराव, आरे में पेड़ों की कटाई जैसे कई राज्य स्तरीय मुद्दों को चुनावी भाषणों में जगह दी। वहीं बीजेपी और शिवसेना ने अपने प्रचारों में 370 का दांव खेला। इतना ही नहीं, किसान और मराठा आंदोलनों को लेकर फडणवीस ने आरक्षण कार्ड भी चला है। अब गेंद जनता के पाले में है, जिसे फैसला करना है कि इस बार महाराष्ट्र की महाभारत में कौन बाजी मारता है।